हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा छठवी झांसी की रानी कविता अध्ययन करेंगे। कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली वीरांगना तथा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन किया गया है। इस कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है। कविता कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंद लहर वालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए लिखा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को फिर से आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर जाते थे। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। सभी खोई हुई आज़ादी का मूल्य पहचानने लगे। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश उत्पन्न हो गया था। वे जान गए कि स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है। सभी राजाओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सभी ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अंग्रेजों को भारत से हटा देंगे। जो तलवार म्यान में बंद थी, सब मिलकर युद्ध के लिए वो तलवार उठाने लगे। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति लड़ी। उनकी वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरवालों अर्थात लोक गायकों से सुनी थी। कानपुर के नाना की मुंबोली बहन छवीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, वर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती हैं कि कानपुर के नाना साहब यानी बाजीराव पेशवा लक्ष्मीबाई को अपनी मुंबली बहन मानते थे। प्यार में वे उन्हें छवीली कहते थे। अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती और खेलती थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी ढाल कृपाण और कटारी चलाने का बहुत शौक था। उन्हें बचपन से ही शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थी। हमने बूंदेले हरवलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय तलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो यह लक्ष्मी है या दुर्गा का अवतार है। उसकी तलवार का वार देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना और किलों को तोड़ना। लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुलदेवी की उपासिका थी। वह दुर्गा की आराधना करती थी। बुंदेलखंड के बुंदेलों द्वारा लक्ष्मीबाई की कथा सुनाई जाती है, जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डटकर युद्ध लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, व्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में वजी वधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। कवयित्री कहती है कि विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आ गई। संपूर्ण झांसी में खुशियां मनाई गई। राजमहलों में बधाई गीत गाए जाने लगे। वीर योद्धा बुंदेलों के यश का गाना गाए जाने लगे और ऐसा लगा जैसे चित्रा को प्रतिरूप में अर्जुन और दुर्गा को शिव मिल गए हों। हमने बुंदेले हरबोले के मुंह से यह कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान वीरता के साथ लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मनानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती है कि विवाह के पश्चात लक्ष्मीबाई झांसी आ गई। झांसी के सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में प्रसन्नता छा गई। किंतु दूसरी ओर धीरे धीरे दुर्भाग्य के बादल भी घिराए। लक्ष्मीबाई के जीवन में समय चक्र दुख की काली घटाएं ले आया। राजा की अकाल मृत्यु हो गई। हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निःसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। यह सब कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी है। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी।
और इस बात का वर्णन कवयित्री ने यहाँ पर किया है और उन्होंने कहा है कि ये सब उन्होंने बुंदेले लोगों के मुंह से ये कहानी सुनी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती है कि ब्रिटिश सरकार क्रूर थी, किसी की याचना का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता था। जो ब्रिटिश भारत आए थे वे व्यापारी थे, भारत देश की धन संपत्ति को देखकर अंग्रेज यहाँ से व्यापार करना चाहते थे, किंतु धीरे धीरे व्यापारियों का रूप बदल गया। अब वे भारत में राज्य करने लगे, छोटे छोटे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। डलहौजी धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य बढ़ाता ही जा रहा था। अब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से हार गई थी, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हार नहीं मानी थी। बुंदेले लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी सुनी थी। छीनी राजधानी दहली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में अंग्रेजी के बढ़ते साम्राज्य के वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि अंग्रेज छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली और लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया था, विठूर के राजा बाजीराव पेशवा को बंदी बना लिया था। नागपुर उदयपुर तंजोर सतारा और कर्नाटक की क्या हैसियत थी, अभी ये सब तो छोटे राज्य थे। सिंध पंजाब पर अभी अभी अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था। बंगाल मद्रास राज्यों की भी यही स्थिति थी। बुंदेलखंड के बुंदेले लोगों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की यही कहानी सुनी थी। रानी रोई रानीवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ विकानी थी, बुंदेले हर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने रानियों के वस्त्र और आभूषणों की नीलामी का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि अंग्रेज अपना शासन बढ़ाते जा रहे थे, छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे थे, रानियां दुखी थीं। रानियां और बेगमों के बहुमूल्य वस्त्रों की नीलामी के अंग्रेज के अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे। विज्ञापन थे, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार, खरीद लो अपनी वस्तुओं को बाजार में। इस प्रकार नीलाम होते देख रानियों का हृदय दुख से पूर्ण हो जाता था। जो गहने और वस्त्र रानियों की इज्जत थे वे आज इस प्रकार खुले आम विदेशियों के हाथ बेचे जा रहे थे। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी सुनी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पथ पेशवा जुड़ा रहा था सब सामान,
बहन छबिली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने अधिकार में करते जाने से लोगों के मन में गहरा रोष था। अमीर और गरीब सभी कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान था। नाना साहब और बाजीराव पेशवा अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए सभी साधन एकत्र कर रहे थे। इसी समय झांसी की रानी ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लोगों के सिप्त हृदय में स्वतंत्रता प्राप्त करने की चिंगारी लगा दी। अन्य लोगों भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरवालों के मुंह से सुनी थी कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य राजाओं ने क्रांति की जो चिंगारी लगाई थी वह अब पूर्ण ज्वाला बनकर भड़क उठी थी। महलों और झोंपड़ी में रहने वालों ने मिलकर क्रांति में भाग लिया। स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन से निकली थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। झांसी में क्रांति की जो लहर उठी वह दिल्ली और लखनऊ में फैल गई। मेरठ कानपुर पटना में भी क्रांति की लहर फैलती गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल हुई। चारों ओर लोग सचेत हो गए और स्वतंत्रता की कामना करने लगे। बुंदेलखंड के बुंदेलों ने यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधपत तांतिया, चतुर अजी मुला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले लोगों का वर्णन किया है। कवयित्री कहती हैं कि स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दे दिया। इनमें धुंधुपत तांत्या तोपे अजी मुला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास रूपी आकाश में इन वीरों के नाम अमर रहेंगे। इन वीरों का बलिदान और त्याग आज भले ही अपराध कहलाए, किंतु उन वीरों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए था। बुंदेलखंड के बुंदेल लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की यही कहानी सुनी थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कहती हैं कि भारत के उन राज्यों की बात हम छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। चलो हम झांसी के मैदान की ओर चलें, जहां रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान पुरुष रूप में खड़ी हैं।
रानी पुरुषों के समान वीरता से युद्ध कर रही थी, उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ गया। तब रानी ने उसे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार निकाली। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेली लोगों के मुंह से सुनी थी कि वह पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने रानी के घोड़े की मृत्यु तथा युद्ध में अंग्रेजों से हार का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि रानी निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी, लगभग 100 मील का रास्ता पार करके कालपी पहुंच गई। उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी से फिर से युद्ध में पराजित हुए। रानी विजयी होकर आगे चल दी और ग्वालियर को भी जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था, उसने रानी के भय के कारण अपनी राजधानी छोड़ दी। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी थी। रानी पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी थी, विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने रानी की विजय का वर्णन किया है। रानी की विजय हुई, किंतु पुनः अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह एक बार रानी से पराजित हो चुका था। इस बार रानी के साथ उनकी दो सहेलियां काना और मंदरा भी आई थी। काना और मंदरा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी। घमासान युद्ध हुआ, किंतु इसी बीच दूसरी ओर से हीरोज अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। अब रानी स्मिथ और हीरोज के बीच घिर गई। हमने बुंदेल हरबलों के मुंह से रानी की यह वीरता की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री कह रही है कि रानी हीरोज और जनरल स्मिथ की सेनाओं से घिर गई है, फिर भी वह सेना को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यहाँ घोर युद्ध किया, किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, वह अड़ गया। तभी पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए। दोनों ओर से युद्ध होने लगा, परंतु रानी अकेली थी और अंग्रेज सैनिक अधिक थे। रानी चारों ओर से घिर गई। लगातार रानी पर वार हो रहे थे। अंत में रानी शरण की भांति घायल होकर गिर गई। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेलों के लोगों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह भव्य कहानी सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी,
हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेल हर वालों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री जी ने लक्ष्मीबाई के जीवन की अंतिम यात्रा का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। उनका अलौकिक व्यक्तित्व चिता को भेंट हो गया, उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। अभी उनकी अवस्था यानी आयु केवल 23 वर्ष की थी। वह साधारण मानव नहीं बल्कि कोई दिव्य अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता और महत्व बताने आई थी। जो सीख हमें देनी थी वह दे गई। वह हमारे लिए स्वतंत्रता की देवी बनकर आई थी। हम भारतवासियों को बलिदान का मार्ग दिखा गई। बुंदेल लोगों के मुंह से हमने रानी की वीरता की यह कहानी सुनी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पदों में कवयित्री ने रानी के बलिदान को अमरता प्रदान करने का वर्णन किया है। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम स्वर्ग सिधार गई, तुम्हें वीर गति प्राप्त हुई। हम सब भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमारे भीतर त्याग की भावना को जागृत करता है और आज़ादी के प्रति सचेत कराता रहेगा। हम भारतवासी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे। इतिहास भले ही मौन हो जाए, कुछ न कहे, अंग्रेज भले ही विजय प्राप्त कर ले, झांसी को गोलों से नष्ट कर दे, परंतु हम भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें स्मरण करने के लिए कभी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तुम तो स्वयं ही स्मारक हो, तुम स्वयं ही स्मरणीय रहोगी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से झांसी की रानी के युद्ध की कहानी सुनी थी, जिन्होंने पुरुषों के समान वीरता से युद्ध किया। अब हम कठिन शब्दों यहाँ पर भ्रुकुटी तानना यानी क्रोध करना, गुमी हुई का अर्थ खोई हुई, फिरंग यानी विदेशी यहाँ पर अंग्रेज, मन में ठानना अर्थ पक्का इरादा करना, हर बोले का अर्थ हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण का अर्थ तलवार, अवतार का अर्थ विशेष रूप से जन्म लेना और पुलकित का अर्थ है प्रसन्न खुशी। यहाँ पर व्यूह रचना का अर्थ मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना यानी किला तोड़ना, खिलवाड़ यानी खेल, भवानी यानी पार्वती और सुमट यानी अच्छे वीर, विरुदावली यानी प्रशंसा की कहानी, उदित हु यानी जगा, मुदित यानी प्रसन्न, कालगति यानी मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लेना अर्थात मुसीबतों में आना, अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरे हुए, वीरानी यानी पराई, अनुनय विनय यानी प्रार्थना, विषम यानी कठिन, पैर पसाना यानी विस्तार करना, काया पलटना का अर्थ है बदलाव आना, घात का अर्थ आक्रमण, कौन विषाद का अर्थ क्या औकात, वज्र नियात का अर्थ करारी चोट, वेजार यानी पीड़ित। यहाँ पर सरयाम का अर्थ सबके सामने, नौलखा यानी बहुमूल्य हार, रणचंडी यानी दुर्गा का एक रूप, आह्वान यानी पुकारना, अंतरतम यानी हृदय, चेती यानी जागृत हो गई, लपटे छाना यानी भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना अर्थ प्रेरित करना, अभिराम यानी सुंदर, मुंह की खाना का अर्थ हारना, वीर गति पाना अर्थ युद्ध में शहीद होना,
दिव्या यानी अलौकिक, मदमात यानी मस्त करने वाली, अमित यानी ना मिटने वाली। आज हमने एक महत्वपूर्ण तथा ओजपूर्ण कविता झांसी की रानी अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।